गड़बड़ी तो है पर इन्हें नजर नहीं आएगी। SKMCH की व्यवस्था को सुधारने के लिए अधीक्षक डॉक्टर BS झा और प्रिंसिपल डॉक्टर विकास कुमार लगातार कवायद कर रहे हैं। यह अलग बात है कि कुछ लोगों की वजह से अप्रत्याशित सफलता नहीं मिल रही है। ट्रॉली मैन और सुरक्षा के लिए तैनात कुछ गार्ड अपनी सीट पर कम ही नजर आते हैं। इस संबंध में हेल्थ मैनेजर ने कहा कि गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई होगी। सवाल है कि गड़बड़ी नजर आएगी कैसे, इसके लिए तो अचानक निरीक्षण करना होगा। रात्रि पाली में काम करने वालों पर नजर रखेगा कौन? SKMCH का कई तरह की व्यवस्था में कई खामियां नजर आती है। इसके तहत सुरक्षा गार्ड को भी मैं देखता हूं कि ससमय वो नहीं उपस्थित होकर के आराम फरमाते हैं। उपस्थित होने के बावजूद भी रात्रि ड्यूटी में उनकी अनुपस्थिति देखी जाती है। और यही नहीं, जो ट्रॉली मैन होते हैं वो निर्धारित वर्दी कर्मी में नहीं होते हैं, बिना वर्दी का ही वे अपने ड्यूटी स्थल पर पाए जाते हैं और अनाधिकृत रूप से चिकित्सक ड्रेसर के कुर्सी पर भी वो बैठे पाए जाते हैं। इस तरह की कई खामियां सामने आ रही है, तो मैं इस संबंध में अस्पताल प्रबंधक संजय कुमार शाह जी से बात कर रहा हूं कि ये सब कुव्यवस्था का एक बहुत बड़ा आलम है। इस संबंध में आप बताएं इस तरह की कुव्यवस्था अस्पताल में क्यों जारी है। सबसे पहले ये चीज है कि अस्पताल में अगर गार्ड आपको अनअवेलेबल है या कहीं नहीं पाया रहा है, ऐसा नहीं है। और रहा बात गार्ड का कि ये तत्परित रहते हैं, उनका रोस्टर लगा रहता है, अधीक्षक साहब खुद उसका राउंड करते हैं और सभी लोग मॉर्निंग इवनिंग नाइट में राउंड होता है और सबको देखा जाता है। अब रहा उनका ट्रॉली मैन के संबंध में, अब ट्रॉली मैन का कोई भी शिकायत किसी भी तरह का अधीक्षक का आदेश है कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी इस तरह के लापरवाही पाए जाएंगे अविलंब उस पर कार्रवाई होगा। कंट्रोल रूम का 24 आवर ड्यूटी चलता है और टेलीफोन 24 आवर रन करता है। किसी की तरह की समस्या हो और 22/32 पर डायल कर सकते हैं और उसको पता कर सकते हैं। दो दिन पूर्व सर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें यहाँ के सुरक्षा गार्ड के जो सुपरवाइजर हैं उनकी कोताही देखी गई। और यही नहीं, एक ट्रॉली मैन को भी ड्रेसिंग रूम में बाजाबते कई मिनट तक उनको चेयर पर बैठ करके वहाँ वो आराम से नई तरह की फार्मेसी एक चला रही थी। इस संबंध में क्या बताइए? इसके संबंध में शिकायत प्राप्त है, अभी पता किया जाता है कि संबंध में क्या प्रॉब्लम था, समस्या था, उस पर पता करने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ड्रेसिंग रूम है, जो OT रूम है, उसमें ड्रेसर बैठकर काम, आपको ट्रॉली मैन बैठकर काम करेंगे। ट्रॉली मैन का काम है ट्रॉली को पेशेंट को अपना उचित स्थान पर पहुंचाना, उसके बाद का दायित्व तो डॉक्टर और ड्रेसर का होता है। इसलिए ट्रॉली मैन ये उचित नहीं है कि वो जाकर के OT और ड्रेसिंग रूम में बैठ करके वो काम करेंगे। इसके लिए अधीक्षक साहब ने साफ आदेश दिया कि अगर कोई भी पाया जाता है अविलंब उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी और उसको चाहे वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे कोई हो, उस पर उचित कार्रवाई अविलंब की जाएगी। ठीक है, तो उस वीडियो को आपने नहीं देख पाया है शायद, जो पिछले दिन वायरल हुआ था। चलिए, व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने में आपका प्रयास है। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।